संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भारत की प्राचीन विरासत को संरक्षित, समृद्ध और सशक्त करना अपना दायित्व समझती है। यह गौरव की बात है कि धौलावीरा की हड़प्पा साइट और तेलंगाना स्थित 13वीं शताब्दी के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रयागराज कुंभ मेले के बाद यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कोलकाता की प्रतिष्ठित दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया। सरकार की यह भी प्राथमिकता रही है कि भारत की अमूल्य धरोहरों को देश में वापस लाया जाए। 100 वर्ष पूर्व भारत से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति को वापस लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया गया। दुनिया के अलग अलग देशों से ऐसी ही कई ऐतिहासिक धरोहरें आज भारत में वापस लाई जा रही हैं। हम सब जानते हैं कि विरासत और पर्यटन का एक दूसरे से गहरा नाता है, इसीलिए आज एक ओर भारत की आध्यात्मिक विरासत को फिर से जीवंत किया जा रहा है तो साथ ही तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो रहा है। मेरी सरकार की स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजनाएं इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। गोवा के 60वें मुक्ति दिवस के अवसर पर फोर्ट अगुआडा जेल परिसर में स्मारक का जीर्णोद्धार करके उसका उद्घाटन किया गया है। यह गोवा मुक्ति संग्राम के सेनानियों के अविस्मरणीय संघर्षों का स्मारक है। माननीय सदस्यगण, आज़ादी के अमृतकाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प के आधार पर आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जो राज्य और क्षेत्र उपेक्षित छूट गए थे, आज देश उनके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के नए युग का आरंभ इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरी सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। पिछले वर्ष काजीगुंड वनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 1 एम्स जम्मू में और 1 कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। लद्दाख की इस विकास यात्रा में एक और उपलब्धि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जुड़ रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन राज्यों में हर स्तर पर बुनियादी और आर्थिक अवसरों का विकास किया जा रहा है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का सपना पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अब साकार हो रहा है। यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं। ईटानगर के होलोंगी में एक नए एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में एक नया और आधुनिक टर्मिनल खोला गया है। पूर्वोत्तर का यह विकास भारत की विकास यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। कुछ दिन पहले ही 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना के 50 साल पूरे हुए हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के साथ इन राज्यों की यात्रा भी हमें विकास के नए संकल्पों के लिए प्रेरित कर रही है। पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के लिए मेरी सरकार के प्रयासों को ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही कार्बी आंगलोंग के दशकों पुराने विवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार, असम की राज्य सरकार एवं कार्बी समूह के बीच समझौता हुआ है।
इससे इस क्षेत्र में शांति और खुशहाली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से आज देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 126 से घटकर 70 रह गई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार नागरिकों की जरूरतों के प्रति सरकारी विभागों को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कृतसंकल्प है। बकाया मामलों में निपटान हेतु तथा स्वच्छता के लिए भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सर्वेंट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की स्थापना की है। मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स के करियर में भी सहायक होगा और राष्ट्र निर्माण की नई जिम्मेदारियों के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। न्याय प्राप्ति को सरल और सुगम बनाने के लिए भी देश में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। टेली लॉ प्रोग्राम के माध्यम से मुकदमों से पहले सलाह देने के लिए एक प्लेटफॉर्म का गठन किया गया है। विवादों के निपटारे में गति लाने के लिए मेरी सरकार ने राज्यसभा में मध्यस्थता विधेयक 2021 पेश किया है। माननीय सदस्यगण, आज देश की उपलब्धियां और सफलताएं देश के सामर्थ्य और संभावनाओं के समान ही असीम हैं। ये उपलब्धियां किसी एक संस्था या प्रतिष्ठान की नहीं है, बल्कि देश के कोटि कोटि नागरिकों की है। इनमें करोड़ों देशवासियों का श्रम और पसीना लगा है। ये सभी उपलब्धियां हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की लंबी यात्रा में एक तरह से मील का पत्थर है और आगे बढ़ने के लिए हमारी प्रेरणाएं भी हैं। वर्ष 2047 में देश अपनी आज़ादी की शताब्दी पूरी करेगा। उस समय के भव्य आधुनिक और विकसित भारत के लिए हमें आज कड़ी मेहनत करनी है। हमें अपने परिश्रम को पराकाष्ठा तक लेकर जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि अंततः इसके लाभकारी परिणाम निकले। इसमें हम सबकी भागीदारी है और समान भागीदारी है। कोरोना काल में आप सभी सांसदों ने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और सभी सावधानियों का पालन करते हुए दोनों सदन संचालित हुए, मैं उसके लिए आप सभी की सराहना करता हूँ। आप सभी सांसदगण करोड़ों देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं के सारथी हैं। इसी भावना के साथ हमें आगे भी काम करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने महान भारतवर्ष को गौरव के शिखर तक लेकर जाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल मेंबर्स, नमस्ते। आई विश टू रीड फ्यू पैराग्राफ्स फ्रॉम द इंग्लिश वर्जन ऑफ द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर टुडे एंड द रेस्ट मे बी कंसिडर्ड एज